अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज मेरे बच्चों ने कर दी है मेरी किचन से छुट्टी। उनको खाना था कुछ बाहर का, उन्हें खाना था छोला भटूरा, वो भी बाज़ार का। तो भाई, जब हमें छोला भटूरा खाना होता है तो हम प्रिफ़र करते हैं बीकानेर वाले को। उनका जो छोला भटूरा होता है, पर्सनली हमें, हमारी फैमिली को बहुत ही पसंद आता है। तो जी, ये छोला भटूरा हमें रिसीव हो गया है। अब चलिए हम इसको निकाल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। हमने 4 प्लेट छोला भटूरा ऑर्डर किया था, तो इसमें इस तरह के 4 पैकेट हैं। मुझको लग रहा है कि इसमें भटूरा होगा। और ये देखिए, इस तरह से 4 बॉक्सेस हैं, इनमें छोले हैं। पैकिंग बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई लीकेज नहीं हुआ है। तेल हमारा जो इसमें छोले में तेल है वो गिरा नहीं है। हम छोले को भी निकाल के रख लेंगे। ये इस तरह की एक पैकेट है, इसमें शायद अचार है और फ्राई की हुई लाल मिर्च है, सॉरी ग्रीन मिर्च है, और साथ में फ्राई किए हुए आलू हैं। एक और पैकेट है, इसमें कटी हुई प्याज है और खीरा है। तो आज ये है हमारा डिनर, थैंक्स टू माय किड्स जिन्होंने आज मुझे किचन से बचा लिया। वैसे किचन में काम करना मुझे पसंद है, लेकिन आज बात ये है कि गर्मी बहुत है और बच्चों का मन भी था, तो मैंने मंगा लिया है बाहर से। तो चलिए अब हम इसको खोलकर भी देख लेते हैं कि ये कैसा है। भटूरे की पैकिंग भी बहुत अच्छी है, इस तरह के एक पेपर बैग में इन्होंने भटूरा भेजा है। ये अभी भी गर्म है और थोड़ा सॉफ्ट भी दिख रहा है। हाँ, फ्लफ़ी उतना नहीं है जितना हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, वो बहुत फ्लफ़ी होता है, तो ये थोड़ा सा दब गया है। छोले की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि जैसे एक्स्ट्रा ऑयल लग रहा है। क्वांटिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि इस पैकेट में क्या है। इस पैकेट में है 4 पीस फ्राई किए हुए आलू, जो सूखे आलू होते हैं मसाले में पूरे लपटे हुए, वो आलू हैं। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात है कि मैंने 4 प्लेट छोला भटूरा ऑर्डर किया था, तो मुझे 4 पीस आलू ही रिसीव हुए हैं। भाई, वो चाहते तो थोड़ा ज़्यादा आलू भी दे सकते थे। और 4 पीस इसमें तली हुई मिर्ची है, ग्रीन मिर्ची का अचार है, और 4 पैकेट इसमें पिकल्स हैं, मिक्स पिकल जो होता है वो है। दूसरे पैकेट में इस तरह से कटी हुई प्याज है और कटे हुए खीरे हैं। प्याज थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई है। तो ओवरऑल ये छोला भटूरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। भटूरा सॉफ्ट था, बस थोड़ा सा ठंडा हो गया था, वो तो भाई आने जाने में थोड़ा सा ठंडा तो हो ही जाएगा। तो जनाब, ये था हमारा डिनर। इसी तरह से कभी आप भी किचन से छुट्टी ले लिया करें और अपने आप को पैम्पर कर लिया करें। यूं ही छोटी मोटी ट्रीट अपने और अपनी फैमिली को दे दिया करें। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।